दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के बारे में। पहले मुझे लग रहा था कि इश्क मुर्शिद ड्रामे की हाइप में कमी आ गई होगी, लोगों की एक्साइटमेंट खत्म हो गई होगी इस ड्रामे को लेकर, क्योंकि इसके टीजर्स को काफी पहले लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि लोगों में अभी भी इस ड्रामे को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। हमें लग रहा था कि संडे 1 अक्टूबर से हमें इश्क मुर्शिद ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये ड्रामा यूं ही को रिप्लेस कर रहा था। तो पहले तो यूं ही ड्रामे को खत्म कर देना था तकरीबन 23 से 24 तारीख को, और 1 अक्टूबर से हमें इश्क मुर्शिद देखने को मिलना था। लेकिन यूं ही ड्रामे की एक एपिसोड बढ़ा दी गई और अब इसकी लास्ट एपिसोड 1 अक्टूबर संडे को देखने को मिलेगी। तो इस संडे हमें यूं ही की लास्ट एपिसोड देखने को मिलेगी और नेक्स्ट संडे 8 अक्टूबर 8 PM के स्लॉट पर इश्क मुर्शिद ड्रामा देखने को मिल जाएगा। फैन ने इस ड्रामे का बहुत वेट किया है। इश्क मुर्शिद ड्रामे के मेन स्टार कास्ट में हमें बिलाल अब्बास खान और दुर्रफिशा सलीम नजर आएंगे, और सपोर्टिंग कास्ट में हमें उमेर रजा, सिरा असगर और बहुत सारे सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे को लिखा है अब्दुल खालिक खान ने और इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है फारूक रिंद ने, और ये मोमल एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन तले बन रहा है। बात करें बिलाल अब्बास की, तो बिलाल अब्बास खान का डबल रोल आपको इस ड्रामे में दिखाया जाएगा। एक में वो फजल बख्श के कैरेक्टर में नजर आएंगे और एक में शामिर के। दुर्रफिशा सलीम आपको इसमें शिब्रा के कैरेक्टर में नजर आएंगी। जिस तरह से हम टीवी वालों की TRP काफी डाउन चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये ड्रामा हम टीवी के लिए एक अच्छा ड्रामा साबित होगा और एक अच्छी TRP लेकर आएगा और इन्हें भी थोड़ी सी इज्जत दिलाएगा जो कि इनकी खो चुकी है। बाकी आप बताइएगा कि इस ड्रामे का वेट किसके लिए कर रहे हैं? बिलाल अब्बास खान के डबल रोल की वजह से इसलिए ये ड्रामा आप देखना चाह रहे हैं, या बिलाल अब्बास खान और दुर्रफिशा सलीम को एक साथ पहली दफा ऑन स्क्रीन देखने के लिए? इस ड्रामे के टीजर और फर्स्ट लुक देखने के बाद मुझे लगता है कि ये ड्रामा हम टीवी को अपनी खोई हुई पहचान वापस दिलाएगा और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इस ड्रामे का वेट है। बाकी आपका जो भी फीडबैक हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।